ठीक है तो ये क्या कर रहा है फोर्टी के जी के पर्सन को ये पुश कर रहा है ठीक है तो ये हमारा हो गया फोर्टी के जी का पर्सन राइट तो ये इसका वेट कितना हमें दिया है फोर्टी के जी अब हमें बोला जा रहा है ये जो सिक्सटी के जी का है ये फोर्टी के जी वाले पर्सन को कितने फोर्स से पुश कर रहा है ये हमारा जो सिक्सटी के जी का पर्सन है वो सिक्सटी न्यूटन का फोर्स इस पर अप्लाई कर रहा है तो इसके रिवर्स में ये जो 40 जी वाला पर्सन है इसने भी क्या कर दिया फोर्स अप्लाई कर दिया तो इस फोर्स की वैल्यू हमें पूछी गई है मतलब हमें इस एक्स की वैल्यू बतानी है तो देखिए हमें पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन राइट तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है हमें एक्शन एंड रिएक्शन क्या बोला जाता है वहां पे एवरी रहती है थर्ड लॉ के हिसाब से तो ये हो गई हमारी एक्शन रिएक्शन पेयर अब अगर एक्शन 16 न्यूटन का है तो रिएक्शन क्या रहता है इक्वल एंड अपोजिट राइट सो so, ये क्या हो गया अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट तो ये भी क्या करेगा सिक्सटी न्यूटन का ही फोर्स अप्लाई करेगा इन दी अपोजिट डायरेक्शन राइट इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन तो ये क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन में है तो जो हमारा ये फॉरवर्ड हो गया हमारा ठीक है तो इसका डायरेक्शन फॉरवर्ड है तो ये एक्स की डायरेक्शन क्या रहेगी बैकवर्ड रहेगी अपोजिट डायरेक्शन बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना रहेगा सिक्सटी न्यूटन ही रहेगा Okay, so the uh, answer for this is 16 Newton. That is, if you check your options, option C is the correct one. So, I hope you understood this. All the best.